केंद्र शासनाच्या FDI विरोधात वेकोली कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या 5 दिवसाच्या संपाबाबत भारतीय मजदूर संघाद्वारे भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ वर्धा व्हॅली, चंद्रपूर, बल्लारपूर, रहिवासी कॉलनी येथे जनजागृती करण्यात येते. केंद्र सरकार हे कामगार विरोधी धोरण राबवत असून वेकोलीला प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये टाकण्याचा निर्णय घेतलाय. तसंच वेकोलीमध्ये विदेशी निवेश करणार आहेत, त्यामुळे कामगारांचं यात मोठं नुकसान होणार आहे. त्यामुळे FDIचा निर्णय वापस घ्यावा, सर्व कंपन्यांना मिळून कोल इंडिया कंपनी बनवावी, कोळसा खाणीत चालू असलेली ठेका पद्धत बंद करावी, तसंच ठेकेदारीमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांना नियमित करावं आदी मागण्यांना घेऊन हा संप पुकारला जाणार आहे. या संपात हजारोंच्या संख्येनं कर्मचाऱ्यांनी सामील व्हावं यासाठी भारतीय मजदूर संघाद्वारे जनजागृती करण्यात येते. अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ नागपूर जो हमारा फेडरेशन है, उन्होंने जो भारत सरकार ने जो 28 अगस्त को कोयला उद्योग में 100% FDI करने का निर्णय लिया है, उसके विरोध में जो हड़ताल नोटिस दिया है वो 23 से 27 सितंबर तक 5 दिन का हड़ताल नोटिस दिया है, जिसके तहत ये हम हड़ताल करने जा रहे हैं. तो उसमें जो FDI जो है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी विदेशी प्रत्यक्ष विनिवेश के जरिए अगर हमने अगर ये कर लिए तो हमारी जो इंडस्ट्री जो है, जो हमारा जो राष्ट्रीयकरण के पूर्व में जो स्थिति थी इस कोयला उद्योग के, उस स्थिति में हम आ जाएंगे. अभी जो है 5 जो सेक्रेटरीट है उनका एक निर्णय ले लिया है, उन्होंने एक सिफारिश भारत सरकार को दी है कि भाई कोल इंडिया का निजीकरण किए बगैर आपको कोई दूसरा उपाय नहीं है. तो हम ये पूछना चाहते हैं कि भाई ऐसी स्थिति हम जो कामगार है, अधिकारी है, इसकी स्थिति से नहीं आया है. इनकी जो गलत जो प्लानिंग है, गलत जो नीति है आर्थिक और औद्योगिक, इसके तहत ये जो स्थिति निर्माण हुई है. इसलिए भारतीय मजदूर संघ और अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के आह्वान पर 5 दिन का कोल इंडिया में ये हड़ताल करने जा रहा है. अगर 5 दिन के अंतराल में अगर ये भारत सरकार FDI अगर वापस नहीं लेता है तो आगे जो आने वाले दिन में जो है, या ये भी हड़ताल जो है अनिश्चितकालीन में चल सकता है.